नमस्कार दोस्तों, मैं महेश प्रजापति आप लोग को एक जानकारी देने चाह रहा हूँ। जो लोग सीख रहे हैं, जिनको जानकारी नहीं है, वो लोग अक्सर क्लच प्लेट खोलते हैं और क्लच प्लेट को चेंज कर देते हैं और किसी चीज़ को चेक नहीं कर पाते हैं। तो आप इस शाफ्ट जो है, इस शाफ्ट जाम होने के कारण भी क्लच प्लेट जल जाता है। तो आप इस क्लच प्लेट देखिए, इसमें फोल्स नहीं है, इसमें जो है अंदर बाहर करने पर इसमें फोल्स नहीं है। तो आप ये बैरिंग जो है, जब आप टाइट करते हैं तो बैरिंग दब जाता है अंदर की तरफ और इसका फोल्स ख़त्म हो जाता है। फोल्स इसमें रहना बहुत ज़रूरी है, अगर फोल्स नहीं रहेगा तो आपका क्लच प्लेट बार बार जलते रहेगा। और इसके लिए आपको बार बार क्लच प्लेट लगाते रहना पड़ेगा। तो आइए, इसको जो है बैरिंग जो चप गया है, इसको कैसे निकालते हैं। आप एक पेचकस ले लीजिए और उस पेचकस से आप इसको यहाँ पर लगा लीजिए और इसको टानिए बैरिंग को बाहर की तरफ। तो बैरिंग बाहर की तरफ टानने के बाद इसमें फोल्स आ जाता है। देखिए इसमें फोल्स आ गया, और जब इसमें फोल्स आ जाएगा तो आपका क्लच प्लेट नहीं जलेगा। आप लोग को इसलिए बता रहे हैं कि जो लोग सीख रहे हैं वो लोग अक्सर जो है कि क्लच प्लेट खोलते हैं और क्लच प्लेट को लगा देते हैं, फिर दोबारा क्लच प्लेट जल जाता है और उनको कस्टमर आ करके फिर दोबारा बोलते हैं कि क्लच प्लेट जल गया। तो इसीलिए आप इसको देखें, इसमें अगर फोल्स नहीं रहेगा तो क्लच प्लेट आपका जल जाएगा। सारा सामान हम खोल दिए हैं, मगर सिर्फ कम समय के लिए ही वीडियो बनाकर हम आप लोग को बताने चाह रहे हैं ताकि आप लोग ध्यान दें और सीखें। देखिए इसमें फोल्स है, अंदर बाहर की तरफ हो रहा है, तो क्लच प्लेट आपका नहीं जलेगा।